करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उमिशेंदुराची। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। गणपति बप्पा मोरया, आज गणपति बप्पा मोरया का जयघोष पूरे देश में सुनाई दे रहा है। लोग बड़े उत्साह के साथ आस्था के साथ भगवान का अपने घर में स्वागत कर रहे हैं। हालांकि धूम धड़ाका पहले की तरह नहीं है क्योंकि कोविड काल में बहुत सारी बंदिशें लागू हैं। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में आज दिखाते हैं कि मुंबई और खासतौर पर महाराष्ट्र में जो गणेशोत्सव की धूम होती है इस बार क्या है, पहले आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं और रिपोर्ट के अंत में सिद्धि विनायक भगवान की आरती भी दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी और लोगों के आवागमन पर जारी प्रतिबंधों के बीच मुंबई और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में शनिवार को 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी उत्सव की शुरुआत हुई। हालांकि इस साल इस त्योहार में पारंपरिक धूमधाम का अभाव है। महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है और कहा है कि भगवान गणेश की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा और इसके विसर्जन से पहले किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए। दिशा निर्देश में साफ कहा गया है कि इस साल सार्वजनिक पंडालों में और घरों में आयोजित होने वाली इस पूजा में भगवान गणेश की प्रतिमा की ऊंचाई को सीमित कर दिया गया है। पंडालों के लिए प्रतिमा की ऊंचाई अधिकतम 4 फुट और घरों पर स्थापना के लिए अधिकतम 2 फुट होनी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप घरों में, हाउसिंग सोसाइटियों में और सार्वजनिक पंडालों में गणपति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रतिमा खरीदने वाले लोगों की संख्या सीमित रही। महामारी के कारण इस साल इस उत्सव को लेकर उत्साह अपेक्षाकृत कम है। उत्सव को सीमित किए जाने के कारण छोटे कारोबारों पर इसका असर हुआ है। इनमें फूल विक्रेता, मिठाई की दुकान, सजावट के सामान की दुकानें, आभूषणों की दुकानें और ट्रांसपोर्टर आदि शामिल हैं। इस महामारी ने कई अन्य लोगों को भी प्रभावित किया है जिनमें कलाकार भी शामिल हैं। हालांकि दादर जैसे कुछ लोकप्रिय बाजारों में पिछले 2 दिन से बड़ी तादाद में लोग आए और उन्होंने सजावट और पूजा आदि के लिए जरूरी सामानों की खरीदारी की। मुंबई में लोकप्रिय सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल लाल बागचा राजा ने इस साल महामारी को देखते हुए उत्सव को रद्द कर दिया है, जबकि वडाला की GSP सेवा समिति ने पूजा को अगले साल फरवरी में मेघ शुद्ध चतुर्थी तक के लिए टाल दिया है। GSP सेवा समिति को मुंबई की सबसे धनी समितियों में गिना जाता है। इस साल महामारी के कारण पंडाल की सजावट हर बार की तरह देखने को नहीं मिल रही है और सांस्कृतिक कार्यक्रम की जगह जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मुंबई एवं पास पड़ोस के क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। शनिवार की सुबह को भी बारिश जारी रही, लेकिन लोग गणपति बप्पा मोरया के जयघोष के बीच गणपति की प्रतिमा लेने के लिए बाहर निकले। कुछ इलाकों में भगवान का स्वागत करने के लिए आतिशबाजी भी की गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अपने सरकारी आवास वर्षा में भगवान गणेश का स्वागत किया। कुछ सेलिब्रिटीज और राजनेताओं ने भी अपने अपने घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा आज सुबह परंपरागत तरीके से की गई। इस बीच उत्सव को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर दी गई है। स्थानीय पुलिस के अलावा त्वरित कार्यबल की एक कंपनी, SRPF की 3 कंपनी, स्थानीय सशस्त्र बल और दंगा नियंत्रण पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए त्वरित आपदा बल, बम निरोधक दस्ता और आतंकवाद निरोधक प्रकोष्ठ को भी अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि 5000 CCTV कैमरों एवं ड्रोन की सहायता से पुलिस टीम घटनाओं की निगरानी करेगी। गणेश चतुर्थी के उत्सव को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। यह उत्सव भगवान गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोगों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी और हर तरफ प्रसन्नता और समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर बधाई। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे, हर तरफ खुशी और समृद्धि हो। उन्होंने लिखा, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। गणपति बप्पा मोरया। तो गणपति बप्पा से प्रार्थना यही है कि ये जो कोरोना है इस पृथ्वी से खत्म हो, लोग सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आइए आपको दिखाते हैं भगवान सिद्धि विनायक की आरती। आप भी आरती के दर्शन कीजिए, गणपति बप्पा का आशीर्वाद लीजिए। Ram Ram
राजा।